इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू मिचल जूबली जिसकी हर बाइट में मिले चूवी मिल्की चॉकलेटी मजा इसमें सेंटर फिल्ड कैरेमल और नोगेटेन की गुडनेस है इनरेसिस्टेबल मिचल जूबली एवरी बाइट मेक्स यू वांट मोर बिस्मिल्लाहमान रहीम क्या हालचाल है आप लोगों का काफ़ी गैप आया है उसकी वजह यह है कि कुछ तबीयत ख़राब थी रेस्ट नहीं मिल रहा था और वर्क था मगर फिर भी आपको देखेंगे एक नई मालूमती वीडियो के साथ आज हाजिर है देखिए मेरी जो वीडियो है वो बहुत तहकीक के बाद बनती है और मैं कभी नहीं कहता ये ले लो वो ले लो फ ले लो जैसे अक्सर कि दो शेयर्स खरीद लो फां शेयर्स खरीद लो तो मेरी जो आज के हैं मैं टेन ऐसे स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो इन स्टॉक्स को जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ खरीदने के लिए ये तीन या चार वजूहत बड़े स्ट्रांग हैं सबसे पहले जो वजूहत जो इन स्टॉक्स में नुमाये हैं कि इनकी डिविडेंड बहुत अच्छा आता है दूसरा आर ओ ई इनका बड़ा स्ट्रांग है तीसरा ये इनमें फ्लक्चुएशन है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है देखिए इनका जो पे आउट है उसकी वजह से कम से कम मैं जो हूँ अपने घर का किचन एक्सपेंसेस आराम से निकाल लेता अब जब एक एक स्टॉक्स बता रहा हूँ उनकी एक मैं आपको बाइंग रेंज भी बता रहा हूँ और बाइंग रेंज का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मैं आपको दस रुपये का कहता हूँ और पचास रुपये आप खरीद लें ऐसी नहीं है अब प्लीज़ ये इन स्टॉक्स को उनके बाइंग रेंज में जो पहला स्टॉक आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो कैपको है कैपको का स्टेडी पे आउट है दस के ऊपर दे देता दे साल में हर चार महीने के बाद वो पी आउट दे देता दे आपको उसकी जो बाइंग रेंज है इस वक्त है कोई छब्बीस रुपए से तीस रुपए आज वो अट्ठाईस रुपए कुछ पैसे पे बंद हुआ है अगर आप तीस के नीचे नीचे ले लें तो दिसंबर में ये दोबारा आपको डिविडेंड दे रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू शायद पैंतीस और चालीस तक चली जाए कुछ दिन में दूसरा स्टॉक्स हमारी लिस्ट में है एंग्रोपोलीबर ये साठ और पैंसठ के दरमियान मैं रिकमेंड कर रहा हूं और इसका रेट सिक्सटी वन सिक्सटी टू आज का था इसका भी डिविडेंड है रेगुलर आ जाता है और चुप करके ये शेयर ले लीजिए तीसरा जो है एंग्रो फर्टिलाइजर इसको ई फर्ट भी कहते हैं ये कम से कम अगर कुछ दिन पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था मगर पिछले तीन साल से जो इसके मैंने आ, प्रोग्रेस देखी है तो ये फौजी फर्टिलाइजर के मुकाबले का है और इसका भी डिविडेंड वील पंद्रह से बीस तक चला जाता है तो ये अभी जो चल रहा है सत्तर से पचहत्तर और फिर बहत्तर रुपए नवे पैसे आ जाया है और ये तिहत्तर तक आप ले लीजिए तो आपको काफ़ी ये फायदा देगा तीसरा जो मेरा फेवरेट है एफएफसी है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इसका जो बाइंग रेंज है 99 टू 118 तक जाता है मगर अभी ये कुछ दिन के लिए जब मार्केट डिप्रेस हुई थी तो 99 पे आया था और अब अब 101 102 पे आ रहा है और आज जो क्लोजिंग हुई है इसकी 102, 104 के दरमियान हुई है इसका स्टडी पे आउट है तीन पैसे अभी दिया है और इन दिसंबर की क्लोजिंग में इनका फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं ये ₹5 से ऊपर फिर डिविडेंड देगा साजगार इंजीनियरिंग जहां भी रिक्शे हैं आप देखिए साजगार इंजीनियरिंग रिक्शे बना रहा है इसका शेयर जो है 120 सौ बीस के दरमियान ट्रेड कर रहा था मगर आज ही इस जो जम करके ना तो ये 130 135 तीस ऊपर पर चला गया इसका डिविडेंड पे आउट बहुत ज़बरदस्त है और मेरे हिसाब से अगर ये यही हालात रहे और पेट्रोल की कीमतें ऊपर जिस तरह जा रही हैं तो साजगार इंजीनियरिंग एक सौ साठ चला जाएगा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना आपके लिए महाल हो जाएगा यूबीएल अनदर ब्लू चिप हर क्वार्टर पे चार रुपए दे देता है पहले भी मैंने इसको रेकमेंड में डाला है उसके बाद एक वीडियो पूरी की है इसको आप प्लीज ले लीजिए ये अभी 130 150 के दरम्यान रेंज कर रहा है और आप 140 तक पहुंच गया है इसको 140 140 प्लस तक आप यूबीएल को ले ले ब्लू चिप कम है मिजान बैंक पहले रिकमेंड कर चुका हूं इट इज अ ज्वाइंट अमाउंट बैंक किसी बैंक की जो शेयर वैल्यू इतनी ऊपर नहीं है जितनी मिजान की है डिविडेंड और बोनस बाकायदगी से देता है और ये अभी 140, 145 के दरमियान अगर आए तो आप प्लीज़ ले लीजिए दिसंबर में इसकी प्राइस 150 से ऊपर चली जाएगी अब कुछ आए जरा बड़े शेयरों की तरफ जिसमें शेयर की प्राइस भी बड़ी है ये डिविडेंड गील भी बड़ी है एक पाकिस्तान ऑक्शन है ये डेढ़ से एक तक है और वो एक चौवन रुपए सत्रह पैसे पे बंद हुआ आप इसको 160 तक पाकिस्तान ऑक्शन ले लीजिए मिलर ट्रैक्टर हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को मायूस नहीं करता है इसका रेट तो 850 पे चला था मगर तो अब ये 900 के ऊपर है तो आपका जो बाइंग रेंज है एट हंड्रेड और 900 हंड्रेड के दरमियान है और लास्ट ऑफ ऑल बहुत तहकीक के बाद मारी पेट्रोलियम में ये शेयर कभी 1200 1300 के ऊपर फिरता था एकदम से डिविडेंट वील थ्री हंड्रेड फिफ्टी परसेंट और फोर हंड्रेड परसेंट के करीब पहुंच गया तो इसका रेट भी बढ़ गया अभी इसका रेट है सोलह सौ सो नब्बे और सोलह सौ सत्रह सौ रुपए के दरमियान और इनशाला अगर आप इसके बाइंग रेंज सोलह सौ सो नब्बे और सत्रह सौ तक आप ले लें तो यह शेयर जो है ना आपको बहुत ज्यादा सैर करा देगा तो नाजरीन हमारे ये दस शेयर को आप नोट कर लीजिए इसका हम ब्रेकअप भी दे देते हैं अपने राइटअप में आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा इन शाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे वसला तो वसलाम हातमबी